प्रदेश में चुनावी खेल अपने चरम पर है। हर दल अपनी जीत के लिए खेल रहा है। अलग अलग के दांव हैं, अलग अलग तरह की रस्साकशी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी मेरठ पहुंचे। पीएम ने यहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और मंच से विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। मौका तो था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी के नाम पर खेल गए पीएम मोदी। सीधा निशाना समाजवादी सरकार पर। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पीएम मोदी ने बारीकी से खेल के सामान देखे थे, विश्वविद्यालय का मॉडल देखा था, फुटबॉल बेसबॉल हैंडबॉल देखा था, बल्ला भी उठाया था और सब देखने सुनने के बाद मंच से समाजवादी की पहले की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। खेल के बहाने पीएम मोदी ने गिन गिन कर सियासी खेल के आरोप लगाए। निशाना सीधा था, सिर्फ नाम नहीं लिया था, बाकी क्या बचा। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। मेरठ में पलायन के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को यदा कदा गर्म ही किया था। अब चुनावी माहौल था तो पीएम ने यहाँ भी पलायन वाला आरोप अपने अंदाज में मढ़ा। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। भाई और बहनों, जब बारी बारी से पीएम समाजवादी पार्टी की सरकार को कोस चुके तो बारी आई अपनी सरकार की तारीफ करने की, तो मंच से ही पीएम ने योगी सरकार की शान में कसीदे गढ़ दिए। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध। मेरठ में सोतीगंज का बाजार हर दर्जे तक कुख्यात था। कुख्यात इसलिए कि लूट और चोरी की गाड़ियां यहां लाई जाती थीं और उन्हें काटा जाता था, मगर सोतीगंज के कबाड़ियों की अब तक 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अकेले हाजी गल्ला की ही 35 करोड़ की कोठियां, गोदाम और बाकी की संपत्ति कुर्क की गई है। पीएम ने यहां भी योगी सरकार की पीठ थपथपाई। साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। पहले शहरों में पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा तो अखिलेश ने भी योगी सरकार पर पलटवार किया। ये बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं?
यूं समझिए कि पश्चिम यूपी में पीएम मोदी के जरिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। कोशिश यही है कि किसानों की नाराजगी पर पीएम का चेहरा और विकास की बयार भारी पड़े। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के जरिए बीजेपी पश्चिम यूपी में अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार है। बीजेपी को लगता है कि किसानों की नाराजगी का असर पश्चिम यूपी में न हो, इसीलिए यहां विकास के लिए ताने बाने बुने जाएं। मगर ये इतना आसान नहीं है। पश्चिम यूपी का पूरा गणित क्या कहता है रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि सारे दल पश्चिम यूपी में कह रहे हैं दम लगा के हाइशा। और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। चुनावी माहौल में ये तीखा तंज है, करारा वार है, जोरदार प्रहार है। सियासी हमलों के बीच ये पीएम मोदी का मिशन यूपी वाला अवतार है। जोरों पर जारी सियासी तकरार है और मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरी तरह तैयार है। हमारा देश साफ है, हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख से पहले ही बीजेपी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के दिग्गज लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन पार्टी के इस कवायद में सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी का, जो लगातार यूपी को विकास योजनाओं की सौगात देकर पार्टी को विजय पथ पर बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं। नए साल के दूसरे ही दिन पीएम मोदी ने मेरठ में यूपी के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इससे पहले दिसंबर महीने में पीएम ने यूपी के विकास के लिए चार बड़ी शुरुआत की थी। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया, 13 दिसंबर को वाराणसी को भव्य काशी कॉरिडोर का तोहफा दिया, 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। विकास की इन योजनाओं के साथ साथ पीएम मोदी हर दौरे पर विरोधियों पर करारा वार करते हैं, प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। पीएम मोदी के जीत वाले यूपी मिशन को बीजेपी भी जनविश्वास यात्राओं के जरिए आगे बढ़ा रही है, जनता के बीच बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली का प्लान है, जिस पर बीजेपी ही नहीं
सभी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान को अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा से रोकने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी नेताओं के हर हमलों पर फौरन जवाब दे रहे हैं। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही है लोग, इनकी बसें खाली है, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने लड़कों से गलती वाले बयान के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो अखिलेश ने पलटवार किया। वो बताएं कि जब हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए था, हाथरस की बेटी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, रात भर परिवार न्याय चाहता था, साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा प्रशासन से कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दाह संस्कार सुबह कर दो। क्या लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वहाँ पर बैठे हुए प्रशासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अपमान किया? इस वार पलटवार के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के जीत वाले यूपी मिशन को बीजेपी भी जनविश्वास यात्राओं के जरिए आगे बढ़ा रही है, जनता के बीच बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली का प्लान है, जिस पर बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान को अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा से रोकने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी नेताओं के हर हमलों पर फौरन जवाब दे रहे हैं। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही है लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने लड़कों से गलती वाले बयान के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो अखिलेश ने पलटवार किया। वो बताएं कि जब हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए था, हाथरस की बेटी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, रात भर परिवार न्याय चाहता था, साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा प्रशासन से कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दाह संस्कार सुबह कर दो। क्या लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वहाँ पर बैठे हुए प्रशासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अपमान किया? इस वार पलटवार के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाने वाली है। जिन लोगों ने कोविन एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, वो आज टीका लगवा पाएंगे। बच्चों के लिए आपको बता दें कि अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं। कोरोना से डर नहीं लगता अंकल, वैक्सीन ना होने से लगता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जुबान पर यही डायलॉग होता है जब उनसे पूछिए कि कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता। कोविड के केसेस डेली बढ़ रहे हैं, तो हम बाहर जाते हुए हमें डर लगता है कि कुछ हमें कोविड ना हो जाए, तो इसलिए हमारी हम सेफ फील कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ कर देंगे बाहर जाने के लिए। अभी कोविड के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना, और हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाने के लिए। अभी जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा तो अच्छे से बाहर वगैरह जा पाएंगे, कॉलेज वगैरह रिस्टार्ट वगैरह कर पाएंगे हम। डर लगे भी क्यों ना, 18 साल से ऊपर के लोगों को तो वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन लगने के बाद वो कुछ हद तक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित भी हैं, लेकिन उनका क्या जिनकी उम्र 18 साल से कम है। डर खत्म होने जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने क्रिसमस पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को खास तोहफे का ऐलान किया था। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा।
अब 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उन्हें कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने आए हूँ अपने लिए वैक्सीन की और हमें बहुत एक्साइटेड है, हम वैक्सीन जल्द से जल्द आए और हम वैक्सीनेटेड हों और सेफ फील कर पाए और मेरे पेरेंट्स भी सेफ फील करें तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सरकार के निर्देशों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद 3 जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले वैक्सीन सेंटर पर अलग अलग खास तैयारियां की गई। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही एक सेंटर को बच्चों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगवाना बोरिंग ना लगे इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब के अंदर। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो सुबह से ही लैब के अंदर पहुंच रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और उनके लिए इस लैब में खास तरीके की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं ताकि बच्चे जब यहाँ पर आए तो वो अपने आप को बोर महसूस न करें। इसीलिए तमाम तरीके की बुक्स, तमाम तरीके के कार्ड्स और तमाम जो लूडोज हैं, इस तरीके के गेम्स जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल कोविन पोर्टल ओपन हो गया था, रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो गया था, तो हमने देखा कि पोर्टल ओपन होते ही रजिस्ट्रेशन हो गए। हमारे पास सोमवार और मंगलवार तक के जो है स्लॉट सारे फुल हो गए हैं और पेरेंट्स और बच्चे काफी आके वैक्सीनेशन सेंटर्स को विजिट कर रहे हैं और उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि बच्चों को काफी टाइम से और इवन पेरेंट्स को काफी समय से इंतजार था। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। स्कूल कॉलेजों में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। नोएडा के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद यहां आने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की अलग व्यवस्था की गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण लगाने के लिए अलग अलग राज्य अपने तरीके से प्रेपरेशंस कर रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में हूँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 27 ऐसे सूची बनाई गई है सेंटर्स की जिसमें स्कूल भी होंगे और अस्पताल भी होंगे जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अकेले नोएडा में ही 27 सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की एक चुनौती ये भी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान अस्पताल में भारी भीड़ होती है। ऐसे में बच्चों को भीड़ में जाकर वैक्सीन लगवाना खतरनाक हो सकता है। बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है लेकिन साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं। इस वजह से अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है क्योंकि खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी डोज लगाना जरूरी भी है और मेरी तो आज ही स्लॉट था तो मुझे आज ही लगाना था, लेकिन मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है वो जल्दी से लगा ले क्योंकि ये जो दूसरा वेरिएंट आ गया है कोरोना का तो उसके लिए जरूरी है बचाव। बच्चों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, कोशिश की गई है कि बच्चे खुद आकर वैक्सीन लगवा सके। इसके अलावा कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर माँ बाप के आने पर उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन से पहले कई अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। तो देखिए पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जब बच्चे आएंगे तो उनका यहाँ पर नाम, नंबर और साथ ही साथ बाकी सारी डिटेल्स, एड्रेस हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाएंगी। उसके बाद जब अंदर एंट्री करते हैं, कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन रूम है ये, जब बच्चे यहाँ पर एंट्री करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ तो सबसे पहले वो आएंगे यहाँ पर कोवैक्सीन वेरिफिकेशन डेस्क पर। यहाँ पर यदि आपने अपने एप्लीकेशन कोविन ऐप पर यदि आपने रजिस्टर किया हुआ है तो वो कोविन ऐप का रजिस्ट्रेशन स्लॉट आपको यहाँ पर बैठे व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को बाकियों की भीड़ से अलग रखकर ही वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल के तहत वेटिंग रूम की व्यवस्था भी अलग रखी गई है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। हमने एक दिन में 500 लोगों का भी स्लॉट फिक्स किया है, अगर ज्यादा होंगे तो हम लोग 1000 बच्चों तक एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। मुंबई में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुंबई के बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। मुंबई में इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई है। 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 15 से 18 के एज ग्रुप में आते हैं
और बीएमसी के जो कुल 9 जंबो कोविड सेंटर है वहां पर ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाएगा। इस वक्त हम बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। आपको बता दें कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी अवेलेबिलिटी यानी कि जो कोवैक्सीन जो बच्चों को लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्राइवेट में जो वैक्सीनेशन है वो एक वैक्सीन का जो डोज है वो 1200 में आपको मिलेगा। बीएमसी का जो तैयारी है वो ये भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। मुंबई के इस सेंटर पर कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ आने वाले बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाकर उन्हें घर जाने दिया जाए। इसके पीछे वजह है मुंबई में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में सेंटर पर भीड़ जुटाने से बचा जाए। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया, नोएडा से मिलन शर्मा और तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, बस इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब इतने ही मामले वर्ष 2021 में 15 और 16 मार्च के बीच आ गए थे, जिसके बाद दूसरी लहर की बात कही गई थी। देश में मिले कुल मामलों में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोरोना वायरस छप्पर फाड़ संक्रमण दे रहा है। और लोग झोली फैलाए संक्रमण ले भी रहे हैं। सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला जितना रिस्क नहीं लेता, ये लोग उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ खतरा ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले हैं। संक्रमितों का पॉजिटिविटी रेट 3.64% है, लेकिन दिल्ली के सीएम कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार है। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो देखिए तमाशा, भीड़ देखिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन देखिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले और वो लोग जो ओमिक्रोन को कम खतरनाक बताते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट्स की खास सलाह है। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग, सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे, और 27,000 केस अब दिल्ली में देखिए, 500 केसेस चार दिन पहले, 500 से 923, फिर 1317, फिर 1716 और कल 2700 आ गया है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में 1,22,000 एक्टिव केसेस कोरोना के आ चुके हैं, साथ में 28,000 केसेस जो हैं वो हर दिन कोरोना के आ रहे हैं, 924 मृत्यु हो गई है 24 घंटों में, इसलिए हमें घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा थिएटर पर पाबंदियां, मेट्रो बस ऑटो के लिए अलग कानून, बाजारों में ऑड इवन के नियम, सब करके देख लिया, येलो अलर्ट जारी करके देख लिया, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। सरकार ने रोड साइड टेस्टिंग की व्यवस्था भी कर दी है। ताजा विश्लेषण आंकड़ों का यही कहता है कि ऐसे पेशेंट, उनका नंबर्स भले हो, इन्फेक्शन भले बढ़ रहा हो, लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनकी संख्या बहुत ही कम है। और आंकड़ा ये बताता है कि तकरीबन 0.22% ही ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। साफ तौर पर आप देखिए, अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से जो RT-PCR का टेस्ट चल रहा है, एक बार जैसे ही नंबर बढ़ा, ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बाद हरियाणा चलिए, ये गुरुग्राम की तस्वीर है। ये गुरुग्राम का सदर बाजार है। कोरोना के संक्रमण के चलते आदेश ये थे कि इसे शाम 5 बजे के बाद
बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के आदेशों के हालात देखिए। अब राज्य के मंत्री जी से सख्ती वाले बयान सुनिए। हमको बताया कि तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जिलों को दो हिस्सों में बांट दी है। जिनमें ज्यादा संक्रमण है उनको ए कैटेगरी में रखा है, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला है। इनमें ज्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। पूरे साल स्वस्थ और सुरक्षित रहने की मन्नत के साथ लोग मंदिरों में भी खूब पहुंचे। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। हालात देखिए, हजारों की संख्या में लोग पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड नियमों का पालन दूर दूर तक नहीं होता दिख रहा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई में मिल रहे हैं। यहां 6000 से ज्यादा केस एक ही दिन में मिले। वजह इस तरह की लापरवाहियां हैं। मरीन ड्राइव पर दिख रही लापरवाही ने कोरोना को ड्राइव करने का ग्रीन सिग्नल दिया है। देश में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर का प्रदेश जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4512 मरीज मिले और इसके पीछे कारण है लोग मास्क नहीं पहन रहे। हालात ये है कि प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों को याद दिला रहा है कि सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाओ। देश में कोरोना के 27000 से ज्यादा मामले आए पिछले 24 घंटे में, लेकिन इस बढ़ते खतरे को देखकर भी लोगों के अंदर कोरोना का डर नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किनकर सिंह, शिरडी से नितिन मिराने, चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।